वर्मा जी, जो कि बीएमएस कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उड़ीसा से। और आज इनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो कि पंचकर्मा, उसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे, जी पंचकर्मा क्या है, या फिर जो शब्द ये पंचकर्मा है, इस शब्द का मतलब क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया लाइव में जोड़ने के लिए। और हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धतियों को आप इसी तरह बढ़ावा देते रहिए आगे भी। जी और जी पंचकर्मा एक बहुत बड़ा विषय है, और थोड़ा इसको संक्षेप में समझते हैं पंचकर्मा को आज, ताकि लोग इससे जागरूक हो सकें और इसका लुत्फ उठा सकें, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो बिल्कुल पंचकर्मा पंचकर्मा ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पंच कर्मा मतलब इसमें पांच विधियां हैं जिनके द्वारा जो है डिजीज को क्योर करते हैं। और इसमें ये क्रियाएं हैं, ये सबसे पहले तो वमन हुआ, विरेचन हुआ, बस्ति हुआ, नस्य हुआ और शिरोधरा। इनके जरिए जो है हम शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालते हैं। और जैसा कि आयुर्वेदिक का प्रिंसिपल कहता है कि हमारे शरीर में तीन ठो दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, उनके अलग अलग स्थान होते हैं। और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रहने के लिए इन दोषों का एक समान अवस्था में होना बहुत जरूरी है, मतलब एक बिल्कुल बैलेंस्ड अवस्था में होना बहुत जरूरी है। और कभी कभार ये बैलेंस बिगड़ जाता है, और जिसके कारण शरीर में जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इसी मतलब इसी बैलेंस्ड के इम्बैलेंस होने की वजह से जो शरीर में बीमारियां बनती हैं उसमें टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और हमारे शरीर में जो है अलग अलग चैनल्स पर जाकर के ये स्टोर होते हैं। और ये बैलेंस बिगड़ता क्यों? आजकल हम जानते हैं आकाश भाई, कितना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया लोगों का, स्ट्रेस है बिल्कुल जिसकी वजह से, हाँ, खान पीन बहुत सही नहीं है, और लाइफ स्टाइल नहीं सही है, तमाम जेनेटिक भी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है ये सब दोषों में इम्बैलेंस होता है और उस बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो पंचकर्मा ऐसी ही तमाम बीमारियों को ठीक करता है। और जी जी इसमें कौन कौन सी जो बीमारी है, डिजीज है, कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, जरा आप बताना चाहें, या फिर हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। जी पंचकर्मा में तमाम बीमारियां हैं, जैसे कि और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो पंचकर्मा से ठीक किए जाते हैं। और आप अस्थमा जानते होंगे, आजकल बहुत कॉमन है जी अस्थमा, एलर्जी बिल्कुल हुआ, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो सब बहुत आसानी से जो है, जहाँ पर तमाम पद्धतियाँ फेल हो जाती हैं पेशेंट को ट्रीट करने में, वहाँ पर हमारी बिल्कुल आयुर्वेदिक पद्धति से पंचकर्मा विधि लगा करके जो हम लोग बहुत इजीली इसको ठीक करते हैं। और जितने भी GIT मतलब आजकल पेट तो सभी का खराब होता है, लगभग मोस्टली घरों में लोग बिल्कुल हैं पेट बिल्कुल वाली समस्या से थोड़ा ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसी को बहुत आसानी से इजीली ठीक करता है। माइग्रेन हुआ, डिप्रेशन हुआ जो कि आज कल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, नए नए बच्चों में देखने को मिलता है ये चीज़, और ये बहुत इजीली मतलब इन सभी बीमारियों का इलाज है मोस्टली। और तमाम इसमें जो भी है अलग अलग जो भी दोष बढ़ता है, जैसे तीनों दोष में अगर कोई भी दोष बैलेंस होता है तो उसी दोष के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पंचकर्मा क्रियाओं को जो है करते हैं। जी। तो इसमें आप जो भी आपने पांच इनको बताया है, तो जी आप क्या इन पांचों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, इनमें से कोई पंचकर्मा जी जी बिल्कुल भाग है? जी बिल्कुल बताएंगे। तो जी पहले तो इसमें शिरोधरा सबसे बढ़िया, सबसे पहले शिरोधरा मतलब पहले तो सबसे बिल्कुल पहले पंचकर्मा करने से पहले शरीर को थोड़ा प्रिपेयर करते हैं कि मतलब उसके कॉम्पेटिबल बनाते हैं, ठीक, पंचकर्मा करने से पहले। उसके बाद में ये पांच क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले शिरोधरा है, शिरोधरा में क्या करते हैं, इसमें मेडिकेटेड ऑयल को जो है पॉर करते हैं फोरहेड पे ऊपर करके, और उस पे जी जो है मेडिकेटेड होता है इसीलिए वो मेडिसिन एब्जॉर्ब होता है, और जो भी है मसाज वगैरह करते हैं, और उससे क्या होता है जो भी मानसिक बीमारियां हैं और पूरे बॉडी में भी मसाज करते हैं, जो भी मतलब बीमारियां हैं माइग्रेन वगैरह हुआ, डिप्रेशन हुआ, ये सब बहुत इजीली इससे क्योर किया जा सकता है। दूसरा है हमारा नस्य है, नस्य में क्या करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के जरिए हम लोग मेडिसिन को इनहेल करते हैं, अंदर को लेते हैं। जी और उसके बाद में वमन है, वमन मतलब उसको वोमिट करवाते हैं, और वमन जो है तो होता है कफ दोष अगर बढ़ता है शरीर में तो वमन
करते हैं। अगर कफ दोष का प्रकोप शरीर में बहुत ज्यादा है तो उस टाइम वमन करते हैं हम लोग। वमन में क्या करते हैं, ये हम लोग पहले दूध दूध इंटेक करवाते हैं और गन्ने का जूस इंटेक करवाते हैं और फिर मेडिसिन को लेते हैं, फिर उसके बाद वोमिट करवाते हैं, तो जो दोष बढ़ा हुआ दोष होता है वो कम हो जाता है और जितने भी तमाम तमाम टॉक्सिन्स होते हैं शरीर के अंदर वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। जी, और इसके बाद में विरेचन है। विरेचन क्या करते हैं, ये विरेचन में हम लोग आपने वो मॉडर्न मेडिसिन में सुना होगा इनेमा, इनेमा या किसी मतलब दूसरे जरिए से जो मतलब पेट को साफ करवाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करवाते हैं। अगर पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग विरेचन करते हैं। तो हाँ, ये मतलब पेट को साफ करने के लिए होता है, जो पेट की बीमारियां होती हैं पित्त दोष को कम करने के लिए होता है। अगर पित्त दोष पड़ता है तो इसको करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो मेडिसिन डायरिया या डिसेंट्री करवाती हैं उन मेडिसिन को इंटेक करवाते हैं मुंह के जरिए, ठीक है, मुंह के जरिए इंटेक करवाते हैं। फिर उसके बाद में आपका पेट साफ हो जाता है कुछ वक्त के बाद में, बहुत इजीली आप इसका इससे ठीक हो सकते हैं, आपका पित्त दोष नॉर्मल हो जाएगा और आपका जितनी भी जीआईटी जो दिक्कतें हैं वो बहुत इजीली आपकी ठीक हो जाती हैं। चौथा है आपका बस्ती, पांचवा है आपका बस्ती। इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑरिफाइस के जरिए मेडिसिन को जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और बस्ती में और ये इसमें विरेचन में बस इतना ही फर्क है, बस्ती में जो होता है वो मेडिसिन को हम लोग एनल के जो रास्ते होते हैं वहाँ वहाँ पे वहाँ के जरिए वहाँ से देते हैं, उसके द्वारा हम लोग जो है अपने जो कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको क्लीन करवाते हैं, हाँ, ताकि उसके जरिए टॉक्सिन्स निकल पाते हैं शरीर से और शरीर जो है बेहतर तरीके से काम कर पाता है हमारा। जी जी, तो क्या ये जो पंचकर्मा है जी, ये जैसे आप एग्जांपल के तौर पर बताइए कि किन किन बीमारियों को ठीक करने में इसका बहुत ज्यादा रोल हो सकता है या फिर किन बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी, पंचकर्मा जैसे कि मैंने बताया, पंचकर्मा आज की डेट में हमारे अभी हर स्टेट में इसके सेंटर्स खुल रहे हैं, तो डॉक्टर हर स्टेट में जो है इसके क्लिनिक्स मिलेंगे आपको, जहां पर आप बहुत इजीली करवा सकते हैं। और पंचकर्मा न केवल बीमारी को ठीक करता है, आपकी एक हेल्थ को एक लेवल अप लेकर जाता है, ठीक है। अगर आप के अंदर विकार नहीं है फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रहा है आपको करवाते हैं तो आपको एक इमेंस रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके शरीर में। और ये और बाकी उसके अलावा बीमारियां तो ठीक करता ही करता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि मैंने बताया, जितना भी पेट के पेट संबंधित बीमारियां होती हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, माइग्रेन हुआ, आर्थराइटिस हुआ, जोड़ों के दर्द से लोग बहुत परेशान हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब इसमें मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं और मेडिसिन दी जाती हैं। और पंचकर्मा के बाद में भी जो है मतलब नॉर्मल रूटीन में एडजस्ट करने के लिए तमाम मेडिसिन डॉक्टर्स लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसके जरिए आप उसके बाद उन रोगों से आपको कभी मतलब दोबारा कभी नहीं होगा, वो रोगों से आप हमेशा हमेशा के लिए आपको बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये पंचकर्मा विधियां बहुत बहुत अच्छी मतलब आज की डेट में प्रोग्रेस कर रही हैं, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और इसी तरह के इसी तरीके से अगर पढ़ता रहा तो हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, बहुत इमेंस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे बीमारियां हैं जिनसे जिनके मतलब जिनको भी आप ट्रीट करने को देखेंगे पंचकर्मा के द्वारा। क्या पंचकर्मा का जो चिकित्सा पद्धति है क्या इसके साइड इफेक्ट भी हैं क्या? जी, इसके साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि जो पंचकर्मा विधियां करते हैं हम लोग और उनको करने से पहले हम लोग प्रॉपर चेकअप करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले देखते हैं कोई मेडिसिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो भी मेडिसिन चलता है पहले उसको छुड़वा दिया जाता है। और यही है कि कोई साइड इफेक्ट क्या ही साइड इफेक्ट होगा इसका, बहुत क्योंकि नेचुरल हर्ब्स हैं, पूरा साइंटिफिकली बेस्ड हैं, कोई हर्ब नहीं होता है। करते समय भी हम लोग प्रॉपर बीपी वगैरह चेक करते हैं, तापमान शरीर का मेंटेन रखते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, नॉर्मल मतलब जो भी क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग फुलफिल करने के बाद में ही इन विधियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, तो मिला के ये लगभग जो इसमें यूज होते हैं जो भी हर्बल्स यूज होते हैं वो नेचुरल होते हैं ज्यादातर। जी जी, तो क्या ये जो पद्धति है क्या ये हम लोगों को अपनाना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए? जी,
ये हमारे भारतीय पैथी जो आयुर्वेदा है, हमारा भारत का पैथी है, और अभी मतलब इसको जितना हो सके बढ़ाओ, क्योंकि आयुर्वेद एक खजाना है भाई। इसका कोई मतलब एक समुंदर है आयुर्वेद, सब सब कुछ है, पूरा जीवन से लेकर के जो है मरने तक कैसे आपको अपने आप को मेंटेन रखना, सब हर चीज है। तो क्यों नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, और जब इससे रिजल्ट मिल रहे हैं बिल्कुल तो फिर लोगों को देखना भी चाहिए इसकी तरफ, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है और प्रॉपर इलाज है। तमाम लोग थक हार करके आते हैं बाद में आयुर्वेदा की तरफ। मैं तो बोलता हूँ आपको अगर कोई दिक्कत होती है, सबसे पहले आप आयुर्वेदा ट्राई करिए, फिर देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब जी कुछ इसी में, सब कुछ है इसमें। और एज ए जी मेडिकल बिल्कुल स्टूडेंट मैं आपको सलाह दे रहा हूँ इस चीज की, तो एक बार मान के देखिए आप। जो भी दर्शक हैं हमारे इस चीज को देख रहे हैं, डायरिया से मतलब अभी हर चीज का कंट्रोल है इस चीज में। आयुर्वेद जी, आयुर्वेद में हर चीज का जी कंट्रोल है, तमाम जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उनका इलाज, सफलतापूर्वक इलाज, जो कि लाइफ लॉन्ग चलती हैं। अलग पैथी में आप जिंदगी भर दवाई खाते रहेंगे, नहीं ठीक हो पाएंगे, हो सकता है, लेकिन अगर आप आयुर्वेदा में आकर के कुछ कुछ लिमिटेड पीरियड में ही अपने जो है पूरा उस विकार को जो है दूर कर देंगे, और 100% आप जी डिजीज फ्री हो जाएंगे। जी मतलब ये मान के चले कि जो आयुर्वेदा है उसमें डिजीज का क्योर इलाज है। जी पूरा पूरा। मेरा और काफी अच्छा लगा। अगला हाँ, जी मेरा अगला क्वेश्चन पंचकर्मा के आपसे अलावा भी। कि जी, बोलिए बोलिए। पंचकर्म पश्चात कर्म क्या होता है। पश्चात कर्म यही कि कोई भी अगर विधि होती है, जैसे पंचकर्मा हुआ या अन्य भी कई विधियां हैं, उनको करने के बाद में शरीर को नॉर्मल रूटीन में कैसे एडजस्ट करना है। पंचकर्मा जैसे करने के बाद में शरीर को जो है पूरा अंडर ट्रायल में रखते हैं ना, डॉक्टर की देखरेख में रहता है शरीर, जो भी पेशेंट होता है, तो उसको बाद में नॉर्मल रूटीन में कैसे रखना है, कैसे एडजस्ट करना है, क्या क्या मेडिसिन चलेंगे, क्या क्या आपको परहेज करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये तमाम चीजें जो है ये पश्चात क्रम होता है। और नॉर्मली उसके बाद कुछ समय के बाद में आदमी ठीक ही हो जाता है, मतलब कुछ दिन देखरेख में रहता है, जी बाकी उसके बाद नॉर्मल हो जाता है आदमी, यही है पश्चात। जैसा कि आज आपने पंचकर्मा के बारे में बताया और जी बहुत अच्छा लगा जो है, और मुझे लगा काफी विश्वास बढ़ रहा है लोगों के प्रति कि आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ छुपा हुआ जो रहस्य है वो बाहर निकल बिल्कुल पा रहा है। और पंचकर्मा के तहत जो है आपने भी कई सारी बातें बताई कि हम डिजीज का क्योर इलाज कर सकते हैं एक जी विथ लिमिटेड टाइम। आप एक लिमिटेड टाइम, और आपने ये भी कहा कि डिजीज जब भी कोई भी हो तो आप, मुझे भी लगता है सबको लगता है आयुर्वेद की जो भी मेडिकल टीम है कि आप एक बिल्कुल बार आयुर्वेद को अपना के तो देखिए, हो सकता है पूरा क्योर इलाज हो जाए आपका। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है जी। थोड़ा टाइम अभी वो भी अभी मतलब जो मेडिसिन आ रही है उतना टाइम भी नहीं लगता है, कोई ऐसा जी सब अच्छा पुरानी बातें हैं कि इतना टाइम अपग्रेशन हो लगता रहा है। है, अपग्रेशन हो रहा है, आयुर्वेद में हाँ बदलाव आ रहा है, क्रांति आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी अभी अभी जो मतलब अभी जो डॉक्टर्स BMS में काफी एडवांसमेंट आ गया है, जो भी गवर्नमेंट ने जो है जी मिक्सोपैथी भी अलाउ कर दिया है हम लोग को, तो हम लोग एलोपैथी के आयुर्वेदिक सब मिला करके काम करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये पहले मिल के की चलना अपेक्षा जो चाहिए। आयुर्वेद जी जो पहले की अपेक्षा जो आयुर्वेद थी, अब की जो आयुर्वेद है उसमें काफी अंतर आ गया। मतलब एडवांस बिल्कुल लेवल बिल्कुल चीजें आ गई हैं बिल्कुल और अपग्रेडेशन बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है ऐसे ही बिल्कुल चलता रहा तो आयुर्वेद भी अब फील्ड में एक अलग ही इतिहास बनाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से अब जिसे लोगों का, आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि खान पान में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, जी यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि एक हमने कहा था फर्टिलाइजर और मेन्योर, तो फर्टिलाइजर अलग चीज होती है, मेन्योर अलग चीज होती है। फर्टिलाइजर जी जो था भाई वो केमिकलाइज चीजें, लेकिन जो जी मेन्योर है पहले मेन्योर से खेती हुई थी तो शायद जी उतना जो है हेल्थ इशू नहीं आता, लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल फर्टिलाइजेशन वाली खेती हो रही है। और मुझे लगता है अब फिर एग्रीकल्चर जो है बढ़ रही है, टेक्निकल खेती ला रही है, लेकिन यह है केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो यूजेस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी केमिकल, तो जी जितना केमिकल्स का कम इस्तेमाल करेंगे, या शरीर हो या खेत हो, उतना ही बेहतर है तो आपके लिए, नहीं? उतना ही बेहतर बिल्कुल रहेगा, मुझे लगता है उतना उतना बेहतर फसल भी देगा, वो चाहे शरीर का फसल हो चाहे वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बहुत और बहुत धन्यवाद आपका जो बिल्कुल है, बिल्कुल। और और ऐसे ही बने रहिए। जी कभी अभी हमारे जो है थोड़ा वेदर में काफी गर्मी आ गई है, इसीलिए जो है
मानो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो इसको हम लोग किसी दिन जो है कवर करेंगे इस चीज को। इस तरह से हमारा जो रूटीन है, रूटीन को बैलेंस करके रखते हैं।